तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीरियडिक ऑडिट पीरियडिक ऑडिट क्या होता है कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर व्हेन अकाउंट्स हैव बिन फाइनल आपके अकाउंट्स बन जाते हैं द तो चेकिंग ऑफ अकाउंट्स एट एम्प्लॉयर प्रेमाइसिस इस टर्म पीरियडिक डेज ऑडिट और, और वी कैन से कि जब अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं बन जाते हैं फाइनल अकाउंट उसके बाद ऑडिटर को बाहर से बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है कि अकाउंट्स को चेक किया जाए तो एम्प्लॉयर के प्रमाइसिस में ही बिल्डिंग में ही उनके अकाउंट्स को चेक करना ही क्या कहलाता है पीरियोडिकल ऑडिट अब ये जो ऑडिट है उसमें बैलेंस शीट ऑडिट भी होता है और इसी को हम फाइनल ऑडिट भी कहते हैं है ना और इसी को हम एक्सटर्नल ऑडिट भी बोलते हैं जो पीरियोडिकल ऑडिट है क्योंकि जो पर्सन है वो कहाँ से आता है बाहर से वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता अब देखिए क्या सूटेबलिटी है कि जहाँ पर बिजनेस मॉल है मतलब साल के एंड में एट द एंड ऑफ द ईयर अगर ऑडिटर को बुलाएं तो इजीली ऑडिट हो जाएगा तो वहाँ पर ऑडिट सूटेबल है जहाँ पर इंटरम अकाउंट्स आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि बीच में आपको मंथली क्वार्टरली अकाउंट्स बनाने हो या जहाँ पर जो फाइनल अकाउंट है बहुत शॉर्ट नोटिस पर बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब आपको क्विकली नहीं चाहिए है ना ऑडिट हो जाएगा उसके बाद आप उनको फाइनलाइज करके फिर ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं और जहाँ इंटरनल चेकिंग सिस्टम सेटिसफेक्ट्री है मतलब जहाँ पर जो इंटरनल चेकिंग है कि द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इ चेक बाय द अनदर एम्प्लॉय वो सेटिसफैक्ट्री है अब देखिए इसके क्या एडवांटेज हैं जो कंटिन्यूस ऑडिट के डिसएडवांटेज थे वो इसके एडवांटेज है सबसे पहला कोई ऑल्ट्रेसन नहीं हो सकती क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ दिनों के लिए ऑडिटर आएगा और चेकिंग करके चला जाएगा इट सेव्स टाइम कोई इंटरफरेंस नहीं होती प्रोडक्शन वर्क में या अदर वर्क में जो एम्प्लॉयज़ uh, हैं या जो वर्कर हैं वो अपने आप काम करते हैं और जो है वो सेविंग ऑफ टाइम होती है कि एट द एंड ऑफ़ द ईयर ही जो है ऑडिटर आएगा तो उनको पूरा टाइम मिलता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने का वाउचर्स को बनाने का तो ये ऑडिटर को अवेलेबल करा दिए जाते हैं और लेस एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली कंटिन्यूस ऑडिट क्योंकि उसमें तो पूरा साल आएगा तो ऑबियसली उसका जो ऑनरेरियम होगा वो भी ज़्यादा होगा और जब वो विजिट करेगा तो ओबियसली उसके रिफ्रेशमेंट का खर्चा भी होगा कन्वीनियंस कन्वीनियंट भी यही है ऑडिटर के लिए भी और एम्प्लॉयर के स्टाफ के लिए भी कि साल में एक बार उसको बुलाया जाए दस दिन के लिए पंद्रह दिन के लिए और वो आकर ऑडिट करे क्योंकि अगर वो पूरा साल आएगा तो फिर जो ऑडिटर का स्टाफ है उसके रिलेशन भी एम्प्लॉयर के स्टाफ से बन जाते हैं जिससे कि फ्रॉड हो सकता है और क्योंकि वो रेगुलर आएगा यहाँ पर टेन फिफ्टीन डेज़ के लिए तो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क भी बना रहता है बीच में कोई ब्रेक नहीं होता एंड नो मॉरल इल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर इसका इल इफेक्ट नहीं होगा रिलेशन नहीं बनेंगे दस पंद्रह दिन में एम्प्लॉयर के स्टाफ के साथ और जो उसका बैड इम्पैक्ट था वो बैड इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं होगा अब देखिए इसकी कमियाँ जो उसके एडवांटेज थे वो इसके डिसएडवांटेज हैं सबसे पहला नो डिटेल्ड और इंटेंसिव चेकिंग है ना डिटेल चेकिंग नहीं होगी एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करना पॉसिबल नहीं है टेन टू फिफ्टीन डेज़ में पूरे साल की ट्रांजेक्शन को सेकेंड अगर कोई एरर है अगर कोई फ्रॉड है उसके डिटेक्शन में टाइम लग जाएगा है ना और हो सकता है वो पकड़ में ना भी आए लेस मॉरल इफेक्ट एम्प्लॉज़ के ऊपर मॉरल इफेक्ट नहीं होगा जैसे कंटिन्यूस ऑडिट में तो उनको ये पता होता है कि रेगुलर इंटरवल पर ऑडिटर ने आना है या उसको पता है कि एक साल बाद आना है तो वो छुपाने की कोशिश भी करता है जो भी उसने गलतियाँ की हैं ऑडिट रिपोर्ट भी लेट हो जाएगी है ना ऑडिट रिपोर्ट कब बनेगी जब ऑडिट हो जाएगा तो थर्टी फर्स्ट मार्च को तो अकाउंट्स क्लोज़ होंगे फाइनल अकाउंट बनेंगे उसके बाद ऑडिट होगा मे बी वन मंथ मे बी फिफ्टीन डेज जितना भी टाइम लगेगा उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट बनेगी और फिर उसको प्रेजेंट किया जाएगा अनसुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेज हैं उनकी जो ऑडिट है वो कंटिन्यूस ऑडिट ही होती है ओनली जो स्मॉल स्केल के बिजनेस है उसके लिए सुटेबल है और टाइमली एडवाइस नहीं मिलेगी है ना जब फ्रॉड हो जाएगा जब एरर हो जाएगा तब उसका पता चलेगा उस टाइम पर उसकी प्रिकॉशन करना पॉसिबल नहीं होगा तो वैल्यूएबल सजेशंस जो ऑडिटर के कंटिन्यूस ऑडिट में मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे ये डिफरेंस दिया हुआ है इसको आप पढ़ लेना वही सेम पॉइंट्स हैं उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरिम ऑडिट अब देखिए इंटेरिम ऑडिट क्या होता है कि व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑडिटेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू तो असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ एन एंटरप्राइज इट इज़ नोन एज एन ऑडिट कि साल के बीच में जैसे आपको एंटैरम डिविडेंड आपको देना है है ना तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपके प्रॉफिट कितने हैं या कोई और काम करना है आपने कोई और बिज़नेस परचेज करना है अमल गेट होना है कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि एट द मिड ऑफ़ द ईयर आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और ऑडिट करवाना ज़रूरी है तो ड्यूरिंग द ईयर जो ऑडिट कराया जाता है उसको हम क्या कहते हैं एंटेरिम ऑडिट तो ऐसा सच कोई टाइम फिक्स नहीं है ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही कराया जाता है स्पेशली जब कंपनी इन ट्ररिम डिविडेंड डिक्लेयर करती है शेयर होल्डर्स को या कोई और जैसे कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है फर्म को या कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ होती है पार्टनर की तो सिचुएशन में भी इन टैरिम ऑडिट कराया जा सकता है है ना या कोई स्ट्रक्चर किसी भी तरह से चेंज हो रहा है और अगर हम कंपनी की बात करें तो जो पोटेंशियल क्रेडिटर्स हैं है ना उनको भी ये लगता है कि इनका इंटरिम ऑडिट होना चाहिए जैसे आपने बैंक से लोन लेना है तो बैंक आपकी फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में जानना चाहती है तो सिचुएशन में भी कहा जाता है इंटरिम ऑडिट लेने के लिए या आप अपने एंटरप्राइजेस को एनलार्ज करना चाहते हैं है ना वो डिसीजन लेना है तो भी इंटरम प्रॉफिट या इन लॉस आपको निकालना होता है अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है कि जो एनुअल ऑडिट है वो शॉर्ट टाइम में अगर इंटरिम ऑडिट हो चुका है तो फाइनल ऑडिट बहुत थोड़े टाइम में हो जाएगा क्योंकि आधा काम हो चुका होगा आधा बाकी होगा एरर्स और फ्रॉड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर ही पता चल जाएंगे तो उनको रोका जा सकता है और इसी तरह से अगर कोई आ, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है डिसिप्लिनरी पॉजिटिव इफेक्ट होगा एम्प्लॉयज़ के कंडक्ट के ऊपर एम्प्लॉयज़ के ऊपर मॉरल इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो गलतियां नहीं करेंगे और साल के बीच में ही आपको इन प्रॉफिट के बारे में पता चल जाएगा इसी तरह से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑडिटर को सजेशन देने की कि वो बीच में ही उनको बता सकता है कि काम ऐसे नहीं ऐसे कीजिए अब डिसएडवांटेज वही हैं जो कंटिन्यूस ऑडिट के थे कि एक तो ऑल्टरिंग द फिगर कि फिगर चेंज हो सकती है है ना ऑडिटर के स्टाफ का टाइम ज़्यादा लगेगा इंटरिम ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में क्योंकि फ़ाइनल ऑडिट तो उनको करना ही है और अननेसेसरी एडिशनल वर्कलोड उनका बढ़ेगा है ना क्योंकि ये काम दोबारा भी होना है इंटरफेरेंस भी बढ़ेगी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है बिज़नेस की और जो स्टाफ है उसी तरीके से उनके रिलेशन भी कई बार बन जाते हैं तो ये था हमारा इंटरम ऑडिट उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कैश ऑडिट नाम से पता चल रहा है कैश ऑडिट मीन्स ऑडिट ऑफ कैश कि जब ऑडिटर को स्पेशली बुलाया जाता है ओनली टू चेक द ट्रांजेक्शन ऑफ कैश फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड तो इट इज़ नोन एज कैश ऑडिट तो जितनी भी एंट्रीज हैं कैश रिसीव्ड या कैश पेमेंट सबको चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाउचर तो यहाँ पर जो ऑडिटर है उनको उनका जो स्कोप है वो कैश को ही आ, चेक करने से रिलेटेड होता है और इसी से रिलेटेड ही इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कोस्ट ऑडिट ये भी नाम से पता चल रहा है ऑडिट ऑफ कोस्ट तो जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वहाँ पर इस तरह का ऑडिट किया जाता है तो आ, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन जैसे फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अप टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और वी कैन से कन्वर्जन ऑफ़ फिनिश गुड्स यहाँ तक जो भी प्रोसेस हुई उसको चेक करना कि वाट इज़ द कोस्ट और क्या शो की गई है तो यहाँ पर वो ये देखता है ही हैज़ टू सर्टिफाई दैट प्रिंसिपल्स ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग हैव बिन अप्लाइड और नॉट कि उनको अप्लाई किया है या नहीं किया किस तरीके से बनाए गए हैं तो सेक्शन 148 कंपनी एक्ट का बताता है कंपनी एंगेज इन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग एंड अदर प्रेस्क्राइब सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कोस्ट अकाउंट एंड गेट द सेम ऑडिटेड कि इनको ऑडिट करवाना जरूरी है सेक्शन फोर्टी बताता है वन फोर्टी इन कंपनीज को जो है वो ऑडिट कराना जरूरी है तो इस तरह का जो ऑडिट है वो कहलाता है कोस्ट ऑडिट नेक्स्ट देखिए मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट रेफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ इशू कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस कि एंटरप्राइज की जो मैनेजमेंट है वो सही ढंग से हो रही है या नहीं उनकी एफिशिएंसी को चेक किया जाता है एफिशिएंसी ऑडिट एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट ये दो तरह के ऑडिट होते हैं तो इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इसके सक्सेस के टूल हैं ना तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है अपने टारगेट को वो अचीव कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही तो उस चीज़ को चेक करने के लिए ऑडिट किया जाता है वो कहलाता है मैनेजमेंट देखिए पहले भी आ चुका है इंटरनल क्या होता है ऑडिटर तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है कि अपने ही स्टाफ में मतलब जब स्टाफ अपॉइंट करती है तो एक एक एम्प्लॉय इंटरनल ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर लेती है है ना और उसका काम होता है एक्सटर्नल ऑडिटर के आने से पहले इनके अकाउंट्स को चेक करना तो इसी को कहा जाता है इंटरनल ऑडिटर आप देखिए जो इंटरनल ऑडिट है वो क्यों कराया जाता है इसके क्या ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला टू एग्ज़ामिन वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉयज़ के काम को चेक करना जो इस अकाउंट्स uh, को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एरर को फ्रॉड को पहले से ही डिटेक्ट कर लेना इंश्योर करना कि सारे एक्शन uh, जो भी किए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन किए गए हैं या नहीं कोई कमियाँ हैं तो उसको ढूंढना है ना फंक्शंस कंपनी के जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं वो स्मूथली हो रहे हैं या नहीं हो रहे एम्प्लॉज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र रखना कि वो क्या कर रहे हैं है ना और क्या इम्पॉर्टेंस है कि एक तरह से इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो जाता है एक्टिविटीज़ का या जो भी रिकॉर्ड किया गया है ट्रांजेक्शन को उनको चेक कर लिया जाता है तो इंटरनल ऑडिट इज़ अ मीन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट है ना कि ताकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर आए आ, वो कोई कमी निकाले उससे पहले इंटरनल ऑडिटर उसको ठीक कर देता है करेक्ट कर देता है ताकि फाइनल ऑडिट करना इजी हो जाए है ना और ऑडिटर की ये हेल्प कर पाए तो इसके लिए ये कोशिश करता है कि जो भी अकाउंट्स बने जो भी रिकॉर्डिंग हो या लेज़र प्रिपेयर हो या ट्रायल बैलेंस बने वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम प्रिपेयर किए जाएँ अब अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो ऐज़ सच कोई क्वालिफिकेशन फ़िक्स नहीं है इंटरनल ऑडिटर की जैसे एक्सटर्नल के लिए तो सीए का होना ज़रूरी है बट इंटरनल ऑडिटर के लिए ऐज सच कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है कोई भी पर्सन जिसको नॉलेज है अकाउंट्स की और कंपनी उसको अपॉइंट कर सकती है है ना तो कोस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है चार्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है कोई भी पर्सन हो सकता है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो चार्ट अकाउंटेंट ही हो या कोस्ट अकाउंटेंट ही हो अब देखिए उन्होंने दिया रिक्विजिट फॉर एफिशिएंट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ये कुछ रिक्विजिट्स हैं सबसे पहला है कि उसके पास भी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा उसके पास भी पूरा स्टाफ होना चाहिए जो उसकी हेल्प करे एक अकेला पर्सन ये भी नहीं कर सकता जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर का स्टाफ होता है इंटरनल ऑडिटर के पास भी कुछ स्टाफ होना चाहिए और सफिशेंट फ्रीडम होनी चाहिए फ्रीडम किस चीज़ की फ्रीडम टू प्लान कि आपने वो प्रोग्रामिंग कर सके कोई इंटरफेरेंस ना हो कंपनी की मैनेजमेंट की या कंपनी uh, के जो ऑनर हैं डायरेक्टर हैं उनकी और रिपोर्ट करने की भी फ्रीडम होनी चाहिए ऐसा ना हो कि उसके ऊपर कोई प्रेशर बनाया जाए कि आपने इस तरीके से काम करना है और डिवीज़न ऑफ ड्यूटीज़ रिलेटेड भी फ्रीडम होनी चाहिए कि जो इंटरनल ऑडिटर का जो स्टाफ है वो उसके कंट्रोल में ही काम करे है ना उसको वही इंस्ट्रक्शंस दे तो अब ये देखिए इसके क्या एडवांटेज हैं प्रोसीजर वो खुद ही डिसाइड करेगा कि जो भी उसको इन्वेस्टिगेट करना है वो डिटेल में करेगा उसके लिए वो अपनी एक नोटबुक तैयार कर सकता है है ना उस प्लानर तैयार कर सकता है प्रोग्रामिंग कर सकता है उसके बाद जो जो ट्रांजेक्शन उसने चेक कर ली हैं उसको उसमें वो टिक करता जाएगा और इसी तरह से थोरोली एग्जामिन करना है उसने फ्रॉम द बिगनिंग से लेकर एंड तक की सारी ट्रांजेक्शन को और कहीं पर भी उसको डाउट होता है तो उसके बारे में उसको डिटेल में जो है वो एग्ज़ामिन करना है और इसी तरीके से अगर जो भी डाउट है या बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है तो उसको रिपोर्ट भी देनी है टू तो द अपॉइंटर जिसने उसको अपॉइंट किया है जैसे कंपनी के डायरेक्टर हैं या चेयरपर्सन है तो उसको रिपोर्ट देनी है अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है कि जो इंटरनल ऑडिट है वो आ, मतलब पहले से ही डिफ़ाइन कर देता है एंटरप्राइजेस की पॉलिसीज़ को प्रोसीजर को कि क्या काम कैसे करना है डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स है वो पहले ही बता देता है तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं एंड इट हेल्प्स इन प्लानिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़ है ना कि जो भी मैनेजमेंट uh, को जो भी करना है जैसे टैक्स पेमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ करनी है या और भी जो काम किए जाने हैं वो प्रोसीजर ये पहले से ही डिफाइन कर देता है और इसी तरह से कंटिन्यूस चेकिंग साथ के साथ होती रहती है तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर आता है उसको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इसी तरीके से कैपिटल का कोई इरोजन कोई फ्रॉड होता है तो उसको ये रोकता है इसी तरीके से इंटरनल कंट्रोल भी किया जा सकता है है ना जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो रिजल्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं और इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एंड यूजफुल डाटा टू स्टैंडर्डाइज़ द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ बाय अंडरलाइनिंग सच फंक्शन एंड मेक सजेशंस फ्रॉम टू टाइम टू टाइम कि एम्प्लॉयज़ को अपनी एक्टिविटीज़ को अपनी एफिशेंसी को इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस मिलते रहते हैं उसके बाद देखिए इसके डिसएडवांटेज क्या हैं कि अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आ, मतलब इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं इफ़ द एम्प्लॉयज़ डूइंग द इंटरनल ऑडिट आर अनहैप्पी और नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन डेवेलप ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट तो उनकी जो सर्विसेज हैं वो उनके लिए हेल्पफुल नहीं होंगी क्योंकि कई बार इंटरनल ऑडिटर के ऊपर दबाव बना दिया जाता है कि आपको ऐसे काम करना है तो ऐसे सिचुएशन में वो सेटिस्फाइड नहीं रहते उनको पूरी फ्रीडम नहीं दी जाती और ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ती है है ना उनको उनका पूरा स्टाफ चाहिए तो सबकी सैलरी कौन देगा मैनेजमेंट तो इससे उनका जो खर्चा है वो भी बढ़ता है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और क्योंकि इंटरनल ऑडिटर की कोई क्वालिफिकेशन फ़िक्स नहीं है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जिसका भी सिलेक्शन करे मैनेजमेंट उसको सारी नॉलेज हो है ना तो ये इंटरनल ऑडिट होने के बाद भी कई बार फ्रॉड या मिस्टेक्स मिल जाती हैं है ना तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि आपने इंटरनल ऑडिट करा लिया तो कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड डिटेक्ट नहीं होगा उसके बाद भी हो जाता है उसके बाद देखिए लास्ट टाइप आता है एक्सटर्नल ऑडिट तो ये एक्सटर्नल ऑडिट वही है जो पीरियडिकल ऑडिट था कि एट द एंड ऑफ द ईयर बाहर से एक पर्सन को बुलाया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एंटरप्राइज अगर वो कंपनी है तो उसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट है या सर्टिफाइड ऑडिटर है उसको बाहर से बुलाया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है और कंपनी की जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको वो चेक करना है करता है तो ऑब्वियसली इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होती है चार्टड अकाउंटेंट और इसी ऑडिटर को हम एक्सटर्नल ऑडिटर भी कहते हैं पीरियडिकल ऑडर भी ऑडिटर कह, भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी कहा जाता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम करता है है ना और ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट